नमस्कार दोस्तों, स्टडी स्कैन में आपका स्वागत है। आज 5 जून है और आज हम खेलने वाले हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020 क्विज। सो बिना देर करते हुए चलो लेट्स स्टार्ट इट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वाज हेल्ड इन विच ईयर? पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? आपके ऑप्शन है 1971, 1974, 1976, 1978। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। द राइट आंसर इज द फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वाज हेल्ड इन 1974। द करेक्ट आंसर इज बी 1974। 1974 को सबसे पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था, 5 जून 1974 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020? ऑप्शन ए एयर पोल्यूशन, ऑप्शन बी 7 बिलियन पीपल वन प्लैनेट कंज्यूम विद केयर, ऑप्शन सी रेज योर वॉइस नॉट द सी लेवल, ऑप्शन डी सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ओके, टाइम्स अप। द राइट आंसर इज सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020 इज बायोडाइवर्सिटी। 2019 का थीम था एयर पोल्यूशन, 2015 का थीम था पीपल वन प्लैनेट, 7 बिलियन पीपल वन प्लैनेट कंज्यूम विद केयर वाज 2015 थीम, रेज योर वॉइस नॉट द सी लेवल वाज द थीम ऑफ 2014। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। अंडर विच थीम इंडिया इन 2018 होस्टेड द सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? 2018 में भारत ने किस थीम पर एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया था? आपके ऑप्शन है ए बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ऑप्शन बी आई एम विथ नेचर, ऑप्शन सी थिंक ईट सेव, ऑप्शन डी ग्रीन इकोनॉमी डज इट इंक्लूड यू। आपके टाइम स्टार्ट होते हैं अब। टाइम्स अप। द राइट आंसर इज बी प्लास्टिक पोल्यूशन। चलिए हम आगे बढ़ते। द 45th सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वाज होस्टेड इन इंडिया अंडर द थीम बी प्लास्टिक पोल्यूशन। ऑन दिस डे अराउंड 6,000 पीपल गैदर्ड एट वर्सोवा बीच इन मुंबई टू जॉइन यूएन एनवायरनमेंट चैंपियन of the earth. Afrosa is a beach to clean up and collected 90,000 kg of plastic and won this competition. Chaliye next question ki or chalte hain. Question number 4, which country will host the World Environment Day 2020? Kaun sa desh Vishw Paryavaran Divas 2020 host karne wala hai? Option A कोलंबिया, ऑप्शन बी मंगोलिया, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी कनाडा। आपके टाइम स्टार्ट होते हैं अब। टाइम्स अप। द राइट आंसर इज कोलंबिया। इस बार कोलंबिया में होस्ट होने वाला है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, When was the first major conference on environmental issue under the United Nations was held? आपके ऑप्शन है 1970, 1971, 1972, 1973. Time's up. The right answer is 1972. UN Environment Day, first major conference on environment issue was held in 1972 from 5 to 16 June in Stockholm, Sweden. Question number 6, World Environment Day was celebrated for the first time under which slogan? Only one future for our children, only one earth, option C a tree for peace, option D gift to the earth. The right answer is only one earth. Chaliye next question ki or chalte hain. Question number 7, first time global 500 award to environment champion including Wangari Maathai were presented in which year? Option A 1982, option B 1985, option C 1987, option D 1989. आपका टाइम ओवर होता है। द राइट आंसर इज
1987 UN Environment Day was celebrated at the headquarter of Nairobi, Kenya by presenting the first of its Global 500 award to environment champions including Wangari Maathai in 1987. Therefore, 2003 is become the backbone of World Environment Day celebration. Question number 8. When and where was the Environment Day anthem launched? Option A, Nepal 1995. Option B, US 2000. Option C, India 2013. Option D, UK 2006. The right answer is... Okay, time's over. India 2013 is the right answer. Bharat tha wo desh jisne Environment Day anthem launch kiya 2013 mein. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इवेंट एसोसिएटेड विद द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड टू इंस्पायर पीपल रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन एट द वर्कप्लेस. ऐसा कौन सा इवेंट था जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के तर्ज पर यह इंस्पायर किया गया था ताकि लोग एनर्जी को कम कंज्यूम करें अपने जहां वो काम करते हैं. ऑप्शन ए अर्थ डे, इको एक्शन डे. ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, माई अर्थ माई ड्यूटी डे. ऑप्शन डी, साइकिलिंग डे. द राइट आंसर इज Eco Action Day. Question number 10. A novel strategy to popularize environmental causes was introduced in 2008. Identify the strategy. Option A, online games. Option B, ad making competitions. Option C, commercial ads with suitable messages. Option D, asking people for solution. The correct answer is option A, online games. Question number 11. Who wrote Earth Anthem? Option A, Abhay K. Option B, John Keats. Option C, Harivansh Rai Bachchan. Option D, UN volunteers. The right answer is Abhay K. Question number 12. What is the focus of World Environment Day? Option A, biodiversity awareness. Option B, economic and environmental awareness. Option C, universal awareness. Option D, raising global awareness. Time's up. The right answer is raising global awareness. Which of the following is a greenhouse gas? Option A, carbon dioxide. Option B, methane, CH4. Option C, water vapor. Option D, all of the above. Okay, time's up. The right answer is all of the above. Next question. Which of these countries emit the most carbon dioxide? Option A, China. Option B, USA. Option C, UK. Option D, Russia. The right answer is China. Your time starts now. Okay, time's up. The right answer is China. The last question, which land-based ecosystem has the most diversity? Option A, deserts. Option B, tropical rainforest. Option C, the tundra. Option D, the grassland. Your time's up. The right answer is tropical rainforest. Dosto, iske saath hi aaj ka quiz khatam hota hai. आई होप आप सबको पसंद आया होगा. आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर दे सकते थे अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो देखा होता तो. द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरमेंटल इवेंट्स, जिसमें मैंने सारे के सारे मैक्सिमम मेजर इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल इवेंट्स कवर कर रखे हैं, उसमें मैंने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में बताया है. अगर उस वीडियो को आपने देख लिया तो आप इन सारे क्वेश्चन के जवाब दे सकते हैं. ओके, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. चलिए, धन्यवाद.